हेलो YouTube, कैसे हो आप सब? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज अ इजी लीड कोड क्वेश्चन विच इज मेजोरिटी एलिमेंट। इस क्वेश्चन के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं, स्पेशली मेजोरिटी एलिमेंट 1 एंड मेजोरिटी एलिमेंट 2। सो आज हम देखने वाले सिंपल मेजोरिटी एलिमेंट, एंड बेसिकली लेट्स सी द क्वेश्चन एंड देन मैं क्या करूंगा यार, आपको दो डिफरेंट सॉरी तीन डिफरेंट वेरिएशंस बताऊंगा। पहला तो इसको हम किस तरह से सॉर्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मैं ये बताऊंगा कि आप इसको मैप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम, उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट दो जो सॉल्यूशन है उसको मैं कोड नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको अप्रोच डिस्कस करूंगा, बिकॉज वो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड देन हम मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम देखेंगे जो कि हमारे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एन, रिटर्न द मेजोरिटी एलिमेंट, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट? द एलिमेंट व्हिच अपीयर्स मोर देन एन बाय 2 टाइम। एंड वन अजम्पशन इज ऑल्सो देयर दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। ठीक है, हमेशा होगा ही होगा मेजोरिटी एलिमेंट, ऐसा कभी केस नहीं आएगा कि मेजोरिटी एलिमेंट ना हो एरे में। ठीक है, सो ये टेस्ट केस को आप एक बार देख सकते हो, वैसे भी मैं इस टेस्ट केस को डिस्कस करने ही वाला हूँ। ठीक है, देन कॉन्स्टेंट में ऐसा कुछ खासा है नहीं, बिकॉज सारे 10 to the power 9 रेंज के अंदर है, मतलब इंटीजर से काम चल जाएगा। वन चैलेंज इज देयर, फॉलो अप मींस चैलेंज, दैट कुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस। इसका मतलब क्या है कि हमें लीनियर टाइम में करना है, ऑर्डर ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होनी चाहिए। ठीक है, सो ये तो था क्वेश्चन के बारे में। लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, और थोड़ा सा हम और डीप में समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, हमें कोई भी एक एरे गिवन होगा, जैसे 3 to 3 गिवन है। सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और हमें क्या चाहिए? वो एलिमेंट जो n बाय 2 टाइम से ज्यादा प्रेजेंट है। सो इस केस में क्या होगा, 3 by 2 1, हमें फ्लोर वैल्यू लेना है। ठीक है, 3 by 2 हालांकि 1.5 होता है, बट हमें फ्लोर वैल्यू लेना है। सो 3 by 2 का फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सो हर वो एलिमेंट जो 1 से ज्यादा बार प्रेजेंट है वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा। सो इसमें कौन सा है? 3। ओके, नाउ हमारा इनपुट है 2 2 1 1 2 2, तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 7 एलिमेंट्स है। सो 7 by 2 कितना होता है? 3.5, बट हमें फ्लोर वैल्यू लेना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो वो एलिमेंट जो 3 से ज्यादा बार प्रेजेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें देख सकते हो 1 3 बार प्रेजेंट है, बट 2 जो है वो 4 टाइम्स प्रेजेंट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचना इस बात को, ये गौर करने वाली बात है कि n by 2 का मतलब क्या है, कि वो जो एलिमेंट है वो हाफ ऑफ द एरे में प्रेजेंट है। n बाय 2 का मतलब यही होता है, हाफ ऑफ द एरे में सिर्फ वही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक एरे में 2 मेजोरिटी एलिमेंट हो? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जस्ट इमेजिन करो, आपके पास 5 साइज का एक एरे है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि n बाय 2 से ज्यादा बार एक ही एलिमेंट बस प्रेजेंट है। ठीक है, n बाय 2 5 के लिए क्या होगा? 2, और 2 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है? 3। ओके, 2 से स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज लार्जर देन 2 इज 3। सो कोई भी इसमें से 3 प्लेस पे भैया एक ही इंटीजर बैठा हुआ है, सेम, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ जगह है उसमें कोई दूसरा इंटीजर आके बैठा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 इंटीजर n बाय 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आधे से ज्यादा में तो एक ही जन कब्जा करके बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इसके आंसर कोई भी ना हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज देयर आर 2 2 3 3 4। ठीक है, तो इसमें देखो इसका साइज कितना है यार? 5 है, एरे का साइज 5 है। तो हम क्या पढ़े? एन बाय 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट होना चाहिए, तो 5 by 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट होना चाहिए। 5 by 2 कितना होगा? 2। सो एटलीस्ट कोई भी एलिमेंट 3 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जो 3 टाइम्स प्रेजेंट है? नहीं, सारे एलिमेंट्स 2 टाइम प्रेजेंट है या तो 1 टाइम प्रेजेंट है। तो इसमें एक भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। ऐसा भी केस हो सकता है, बट क्वेश्चन में पहले से अजम्पशन दिया है कि अज्यूम कर लो कि एक मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है इस क्वेश्चन का, एंड
जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या हो सकता है। पहला तो एक सिंपल सा अप्रोच जो आपके भी मन में आ रहा होगा, हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। हमें ये पता है कि एक एलिमेंट ऐसा है जो कि बेसिकली आधी से ज्यादा एरे में कब्जा करके बैठा है। अगर मैं मान लो इस सबको सॉर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा यार, स्टार्टिंग में 3 1 आ जाएंगे एंड एंडिंग में क्या हो जाएगा यार, 4 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर कोई भी एरे है उसमें आधे से ज्यादा पार्ट में एक ही नंबर कब्जा करके बैठा है तो मिडिल पार्ट कौन सा होगा, वही एलिमेंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मिडिल एलिमेंट इसमें क्या है, देखो मिडिल एलिमेंट ये है और उस मिडिल एलिमेंट में हमेशा यही नंबर होगा जो कि मेजोरिटी होगा। अगर ऑड नंबर है तो करेक्ट मिडिल पे होगा, अगर इवन नंबर है तो मिडिल प्लस 1 पे वो एलिमेंट होगा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आधे से ज्यादा एरे में वो एक ही नंबर कब्जा करके रखा है। मैटर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एरे में 4 1 होते एंड 3 2 होते तब भी इस आंसर सेम ही आता, तो 4 1 में लिख देता हूं एंड 3 2 लिख देता हूं। अभी भी देखो जो मेजोरिटी एलिमेंट, अब क्या हो जाएगा, मेजोरिटी एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा, अभी भी वो 1 मिड पे ही होगा क्योंकि 1 जो है वो आधे से ज्यादा जगह में कब्जा करके बैठ गया है, तो मिड में तो वह आएगा ही आएगा क्योंकि मिड से ज्यादा पार्ट पे कब्जा करके बैठा है तो मिड में तो उसको आना ही आना है, ठीक है। ये हमारा पहला अप्रोच हुआ, क्या करेंगे हम सॉर्ट कर देंगे एरे को, और जो भी मिड बाय 2 पे होगा, अगर ऑड नंबर डिजिट है तो मिड बाय 2 पे, और अगर इवन है तो मिड बाय 2+1 पे जो भी एलिमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। बट ये थोड़ा सा ना यार ये चलेगा, बट प्रॉब्लम कहां आएगी मालूम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ओके। जो हमें सबसे अच्छा सॉर्टिंग टेक्निक अगर भी हम यूज करें तो भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। और हमारा चैलेंज क्या, हमारा फॉलोअप क्या था कि हमें लीनियर टाइप पे करना है, तो ये तो फेल हो रहा है हमारे, मतलब चल जाएगा सारे टेस्ट केस पास कर जाएगा, बट बेसिकली जो हमारा चैलेंज है वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यार, एक और टेक्निक देखते हैं, वो टेक्निक है मैपिंग। ये शायद ना आपके मन में सॉर्टिंग से भी पहले आया होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यही वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आई थिंक आपको फ्रीक्वेंसी मैप बनाने आता है। हम क्या करते हैं यार, एक मैप लेते हैं और सारे को इंसर्ट करते जाते हैं, है ना। सो इसमें हम इंटीजर इंटीजर का मैप लेंगे, है ना। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैपिंग ये सब नहीं आता तो आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है, स्पेशली ये हैशिंग में बहुत काम आती है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने मैप बना लिया, अब हम देखेंगे कि यार कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो n बाय 2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट है। 1 एक ही बार प्रेजेंट है तो ये n बाय 2 से तो ज्यादा नहीं है, मतलब n बाय 2 क्या है इस केस में, 7 बाय 2, मतलब 3 से ज्यादा बार होना चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट है जो n बाय 2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट, हाँ 2 है, बिकॉज 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स, 4 उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा एक मैप का अप्रोच हो जाएगा, ये हो तो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी, बट यार स्पेस हम ऑर्डर ऑफ 1 पे तो नहीं कर पाएंगे, है ना, बिकॉज हम कुछ तो स्पेस ले रहे हैं, मैप कुछ तो स्पेस लेगा जितना भी ले, बट ये कुछ तो स्पेस लेगा तो ये ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस पे तो नहीं हो रहा है। हालांकि ये टाइम लीनियर टाइम अचीव कर ले रहा है, बट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 पे नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे फॉलो अप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड हम देखते हैं, मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम समझाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा ना आपको फील देना चाहूंगा। बेसिकली ना जैसे इलेक्शन में वोट होता है ना, उसी को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब बेसिकली इलेक्शन में क्या होता है यार, जैसे मान लो आपके पास 2 कैंडिडेट है, ठीक है, लेट सपोज आपके इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी, ठीक है। सो कैंडिडेट ए एंड बी को मान लो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ए और बी के पास कितने वोट्स होंगे, 0 0 वोट्स, बिकॉज वो इनिशियल फेज है इलेक्शन का। अब मान लो एक पर्सन आया, वो कैंडिडेट ए को वोट दिया, तो मैं क्या करूंगा यार, ए का वोट बढ़ा दूंगा। एक और पर्सन आया, वो भी ए को ही वोट दिया, तो कैंडिडेट का वोट बढ़ जाएगा। मान लो एक पर्सन आया, वो बी को वोट दिया, तो मैं क्या करूंगा यार, बी का वोट इंक्रीज कर दूंगा। ये तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं बी का वोट इंक्रीज ना करके ए के वोट को ही डिक्रीज कर दूं, तो क्या ये भी चलेगा, थोड़ा सोच के देखो। ऑब्वियसली चलेगा यार, क्योंकि जैसे ये 2 है और इसका वोट 1 था, तो अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो क्या है, ए एक वोट से आगे है बी से, नेट रिजल्ट तो यही है। और अगर मैं इसको ऐसा करूं, इसके वोट को डिक्रीज कर दूं, तब भी तो सेम मतलब है ना, ए
बी से एक वोट आगे है ना, तो दोनों सिनेरियो सही है ना, ये तो समझ सकते हो। चलो अब हम जो बेसिक मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम है उसमें हम जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एल्गोरिदम है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन से आ जाते हैं। सो बेसिकली इस वोटिंग एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं डिस्कस करता हूं। अगर वोटिंग किसी भी स्टेज में अगर वोट्स जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, हमें एक नया कैंडिडेट मिल जाएगा और उसके वोट को वन कर देंगे हम। अगर मान लो उसी एलिमेंट को फिर से एक बार देखते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके वोट को एक बार इंक्रीज कर देंगे। अगर हम किसी डिफरेंट एलिमेंट को देखते हैं तो हम उसके वोट को डिक्रीज कर देंगे। जो अभी मैंने आपको ए बी वाला सिनेरियो समझाया वही है ये, ठीक है। चलो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 2 1 1 1 2 2 2, ठीक है। सो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं क्या करता हूं यार, दो वेरिएबल ले लेता हूं, एक तो हमारा कैंडिडेट होगा और एक उसके वोट्स को काउंट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कैंडिडेट को मैं, आप कुछ छोड़ भी सकते हो या फिर पहले एलिमेंट को कैंडिडेट बनाते, मैं किसी को भी कैंडिडेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये जो मैं कैंडिडेट -1 ले रहा हूं ना, ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि हो सकता है कि एक भी कैंडिडेट ना हो, तो उस केस में आप -1 रिटर्न कर देना। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है बट इन जनरल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने -1 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें डेफिनेटली एक कैंडिडेट मिलने ही वाला है। और स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे यार, वोट्स को ना जीरो कर देंगे, ठीक है। कूल, यहां तक तो आपको समझ आ रहा होगा। क्या करता हूँ मैं, वोट्स को ना यहाँ पे लिख देता हूँ, वोट्स हमारे स्टार्टिंग में जीरो होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं यार, हम ट्रेवर्स करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम रहेंगे 2 पे। जब हम 2 पे हैं हम पहले चेक करेंगे इफ वोट्स इज जीरो, वोट्स जीरो है, हाँ यार वोट्स तो जीरो है। तो यही जो हमारा जिसमें बेसिकली ये आई जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब जो लूप में हम एक आई को रोटेट करेंगे, स्टार्टिंग एलिमेंट हमारा क्या है 2, तो यही हमारा कैंडिडेट बन जाएगा और वोट को हम इंक्रीज करके 1 बना देंगे, ठीक है। फिर हमारा लूप आगे बढ़ेगा, हम आए 2 पे, फिर हम यही देखेंगे क्या हमारा वोट जीरो है, नहीं वोट तो जीरो नहीं है यार, क्या हम जो एलिमेंट को एनकाउंटर किए हैं वो पहले से ही कैंडिडेट, हाँ अभी हमारा एलिमेंट 2 है और हमारा कैंडिडेट भी 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस वोट को इंक्रीज करके 2 बना देंगे। अब हम इसमें आ गए, हमारा जो लूप है वो बढ़ के 1 पे आ गया है। क्या वोट जीरो है, नहीं वोट तो जीरो नहीं है यार, तो हमें कोई नया कैंडिडेट तो नहीं मिलने वाला है। क्या हमने सेम एलिमेंट को एनकाउंटर किया, नहीं यार हमारे कैंडिडेट तो अभी 2 है बट हमारा जो एलिमेंट है वो 1 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट वोट को डिक्रीज कर देंगे। ओके, फिर हम किस में आए, अगेन हम 1 पे आ गए, नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गए, फिर हम देखेंगे क्या वोट जीरो है, नहीं अगर वोट जीरो नहीं है तो हमें कोई नया कैंडिडेट नहीं मिलने वाला है। क्या हम सेम जो हमारा अभी कैंडिडेट है वही हम एनकाउंटर कर रहे हैं, नहीं उसको तो एनकाउंटर नहीं कर रहे, तो अब जो बच गया क्या, वी आर एनकाउंटरिंग अ डिफरेंट एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वोट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। वोट को डिक्रीज कर दिया, अभी भी हम कैंडिडेट को चेंज नहीं किया है क्योंकि अभी 2 का भी 2 वोट है, 1 का भी 1 वोट है, देख सकते हो ना यार, 2 का भी 2 वोट है, 1 का भी 2 वोट है, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बस उसको 2 रखा हूं, उसको अपडेट नहीं कर रहा हूं। अब हम 1 पे आए, जैसे ही 1 पे आए हम देखे यार वोट तो 0 हो गया है। जैसे ही वोट 0 होता था हमें क्या मिलता था, एक नया कैंडिडेट मिल जाता था। तो अब हम कैंडिडेट को अपडेट करके कैंडिडेट को चेंज कर देंगे और उसके वोट को क्या बना देंगे, 1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमको मिला 2, क्या वोट 0 है, नहीं वोट तो 0 नहीं है, तो हमें नया कैंडिडेट तो नहीं मिलने वाला है। क्या हम सेम एलिमेंट को एनकाउंटर कर रहे, नहीं यार हमारा कैंडिडेट तो 1 है और हमारा एलिमेंट अभी 2 है, तो हम सेम को तो एनकाउंटर नहीं कर रहे, ठीक है, हम डिफरेंट को एनकाउंटर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वोट्स को डिक्रीज कर देंगे 0 से, बट हम ना कैंडिडेट को अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 2 पे, कैंडिडेट क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं ये पता चल रहा है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो अभी भी 2 कितने हैं, 3 टाइम्स है और 1 3 टाइम्स है, तो कोई कैंडिडेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टेप्स को याद करना है, जस्ट फील लो इस चीज की, इसीलिए मैंने आपको पहले वो इलेक्शन वाला समझाया, ठीक है। 2, अब देखो हमारा जो नया बेसिकली जो लूप आगे बढ़ेगा और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2, लेकिन हम देखेंगे क्या वोट 0 है, वोट तो 0 है यार, हमको अब क्या होने वाला है यार, हमको एक नया कैंडिडेट मिलने वाला है जो कि है 2, एंड हमारा वोट क्या कर देंगे, 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके,
हमारा क्या हमारा वोट जीरो है? नहीं, तो हमें नया कैंडिडेट तो नहीं मिलने आ रहा। क्या हम सेम टाइम अगेन हम उस एलिमेंट को एनकाउंटर कर रहे हैं, या सेम टाइम वो एलिमेंट को एनकाउंटर कर रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को अपडेट नहीं करेंगे, जस्ट वोट को अपडेट कर देंगे, और हमारा फॉर लूप मीन्स हमारे सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, और फाइनली जो कैंडिडेट रहेगा ना यार, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एक्टिव में रहेगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक बार सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकेंड पॉज करो, बहुत ही लॉजिकल चीज है। आप खुद सोचो ना यार, कि एक हमारा ऐसा एरे है, लेट्स सपोज फाइव, कोई भी ऐसा एरे है, एरे में कोई भी एलिमेंट्स हो, लेट्स सपोज हमारे पास फाइव एलिमेंट्स है, ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं बट फाइव एलिमेंट्स हम मान लेते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या गिवन है, कि एरे में अगर उसको मेजोरिटी एलिमेंट बनना है तो आधे से ज्यादा में तो वही राज करके बैठा है। तो अगर आधे से ज्यादा में वो राज करके बैठा है तो आखिरी में वही एलिमेंट का ज्यादा वोट होगा। जैसे इसमें, इस फाइव वाले एरे में आधे से ज्यादा का मतलब क्या है, तीन में तो एक ही एलिमेंट राज करके बैठा है, तो आखिरी में हम वोटिंग करा दें तो जीतेगा कौन, भैया जो मेजोरिटी एलिमेंट का कैंडिडेट है वही जीतेगा। इसीलिए आखिरी में जो भी कैंडिडेट बनेगा वही हमारा आंसर, डेफिनेटली वो हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यार, इसको एक बार सी प्लस प्लस में कोड करके देखते हैं, एंड देन हम जावा में भी कोड करेंगे, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। चलो तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार सी प्लस प्लस में कोड करके देखते हैं। हम क्या कर रहे थे यार, सबसे पहले जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक बेसिकली लेते थे हमारा कैंडिडेट, ठीक है। तो हम कैंडी लिख देता हूँ, इसको मैं माइनस वन कर दे रहा हूँ, आप माइनस वन नहीं भी करोगे तो चलेगा यार, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम वोट्स के लिए एक बना लेते हैं ताकि वो वोट्स को काउंट करके रखे। तो स्टार्टिंग में हम वोट्स को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, एंड हम फिर क्या करते थे यार, एक फॉर लूप चलाते थे, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके, सॉरी, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक चलाएंगे, है ना, एंड तक हमको जाना है, एंड उसके बाद हम क्या करते रहेंगे, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे हम, मान लो अगर इफ हमारे जो वोट्स हैं वो जीरो हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे वोट्स जीरो हैं, तो हमको एक नया कैंडिडेट मिलने वाला है, वो कैंडिडेट क्या होगा यार, नम्स नम्स आई, है ना, जिस पॉइंट पे हमारा बेसिकली फॉर लूप अटका हुआ है वही हमारा कैंडिडेट होगा। और हम क्या करेंगे यार, वोट्स को भी इंक्रीज कर देंगे, उसको हम वन बना देंगे। अब और एक केस क्या आता था, else if, लेट सपोज अभी जो हमारा एलिमेंट जो कि कैंडिडेट है उसी को हम मान लो फिर से एनकाउंटर कर रहे हैं, अगर हम उसी को एनकाउंटर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बस यार वोट्स को बढ़ा देंगे, है ना। और इसका एक और कंडीशन आ सकता है कि अभी जो हम एलिमेंट देख रहे हैं जो कि नम्स आई में है, अगर वो कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम वोट्स को डिक्रीज कर देंगे। कब तक डिक्रीज होते रहेगा, जब तक वोट्स जीरो ना हो जाए, और जैसे ही वोट जीरो हो जाएगा हमें नया कैंडिडेट मिल जाएगा। और ये पूरे फॉर लूप को जब हम चला देंगे तो जो भी एलिमेंट हमारे कैंडिडेट में बचा रहेगा वही हमारा आंसर होने वाला है। और क्यों आंसर होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। सो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, एंड लेट्स सी अगर कोई भी कंपाइलेशन एरर या कुछ भी आएगी हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, हम इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, एंड लेट्स सी कि ये सबमिट होता है या अभी भी कोई कंपाइलेशन एरर आती है, कुछ भी एरर आती है। सो यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है कि इनपुट हम डाल रहे हैं 334, तो आउटपुट आना चाहिए 4, सॉरी एक्सपेक्टेड है 3 बट आउटपुट आ जा रहा है 4। बस हवा निकल गई, ओके। सो इसमें देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है, ओके। सॉरी, यहाँ पे हम वोट्स को इंक्रीज करना चाहिए बट मैंने डिक्रीज कर दिया था, पता नहीं कौन से नशे में मैंने इसको कर दिया है, ओके। बट एक्चुअली हमें वोट्स को इंक्रीज करना था ना, और अगर हम सेम नंबर को बार बार एनकाउंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे यार, वोट्स पे इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज थोड़ी कर लेंगे, है ना। तो हमें वोट्स को इंक्रीज करना था ना कि डिक्रीज, के दोनों में मैंने डिक्रीज कर दिया था, सो इसीलिए, ओके। सो अब ये फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं पूरा को तो कोड नहीं करूंगा बट मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जावा में, क्योंकि जावा और सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा सिमिलर है यार, बस थोड़ी छोटी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप सी प्लस प्लस के कोड को समझ सकते हो तो इजिली आप जावा के भी कोड को समझ सकते हो,
कुछ कुछ चीजें जो कि चेंज हो जाती है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, आई गेस इतना ही चेंज करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो ये भी सबमिट हो रहा है। देखो कितना छोटा सा बेसिकली माइनर सा चेंज आता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा चेंज नहीं आता यार सी प्लस प्लस और जावा, फालतू आप लड़ते रहते हो बस। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इसको बनाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आप और भी तरीकों को एक्सप्लोर करो। ओके, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी और हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।